अब उसके बाद 23 नंबर, अब उसके बाद क्या है 23 नंबर। तो ये देखिए 23 नंबर की जो लाइन है LCD अंडरस्कोर RST अंडरस्कोर AN, 23 नंबर की लाइन कौन सी है आपकी LCD अंडरस्कोर RST अंडरस्कोर AN। तो ये भी आपकी किस लिए काम में आती है, ग्राफिक सेक्शन के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। LCD RST AN, LCD RST AN किसके लिए काम में आती है, ग्राफिक सेक्शन के लिए, ये आपको समझना है। एलसीडी TA0 आपकी ग्राफिक्स के काम में आ रही है, एलसीडी RST यन आपकी ग्राफिक्स के काम में आ रही है, एलसीडी VSP ग्राफिक्स के काम में आ रही है, एलसीडी VSN ग्राफिक्स के काम में आ रही है, VREG L6 1P8 ग्राफिक्स के काम में आ रही है, एलसीडी कैब आपकी लाइट के काम में आ रही है, ये आपको समझना है। तो अभी अपन देखते हैं LCD अंडरस्कोर RST अंडरस्कोर यन, ये भी आपकी लाइन किसके काम में आ रही है, ग्राफिक्स के काम में आ रही है, ठीक है। तो ये लाइन में देखो एक रेजिस्टेंस लगा है R1817, R1817। यहाँ पे और एक बात मैं बता देता हूँ, LCD TE0 में आपका 1.8 वोल्टेज आता है, आपका LCD RST यन में भी आपका 1.8 वोल्टेज आता है, ये आपको समझना है। LCD TE0 CPU बना रहा है, LCD RST यन भी CPU से रिलेटेड है, ये लाइन भी आपकी CPU से आ रही है, LCD TE0 CPU से आ रही है, LCD RST यन भी आपकी CPU से आ रही है, ये आपको समझना है। मीन्स LCD TE0 में 20 नंबर की पिन में आपका डिस्प्ले कनेक्ट है, मैं 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो भी CPU रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद RST यन 23 नंबर 23 पे अगर आपका 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो भी आपका रिस्पॉन्सिबल कौन है, सीपीयू रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको समझना है। एलसीडी आरएसटीएन ग्राफिक्स के काम में आती है, एलसीडी TE0 ग्राफिक्स के काम में आ रही है, ठीक है। अब एलसीडी आरएसटीएन में देखो एक रेजिस्टेंस भी लगा है R1817। अगर ये 23 नंबर पे अगर आपका 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है, 23 नंबर पे अगर आपका 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो उसके लिए ये रेजिस्टेंस भी खराब हो सकता है। ये देखिए 1K का रेजिस्टेंस लगा है, 1K का रेजिस्टेंस लगा है, इसका वैल्यू दिया है। तो ये R1817 कहाँ पे है वो चेक करते, तो ये लेआउट में आ गया R1817, ये देखिए पेज 2 पे, ये देखो ये R1817, ये देखो दिख रहा है आपका, दिख रहा है R1817। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो आपका सर्किट डायग्राम है RST लाइन में, अगर यहाँ पे 23 नंबर पिन में अगर आपका 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपका ये R1817 एक रेजिस्टेंस की वजह से भी आपका वोल्टेज नहीं बन सकता है, और एक रेजिस्टेंस की वजह से आपकी वो लाइन में प्रॉब्लम आ सकता है। आप कितना भी सीपीयू रिवॉल्व करो, ये करो वो करो, लेकिन अगर आपका रेजिस्टेंस ही खराब है तो वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद देखो LCD RSTN में देखो ये डॉट है, मींस यहां से और एक लाइन आपकी कनेक्टेड है, ये डॉट है मींस यहां से और एक लाइन आपकी कनेक्टेड है, और यहाँ पे लगा है एक डायोड, डी मींस डायोड, यहाँ पे क्या लगा है डायोड D1800। तो ये डायोड अगर आपको चेक करना है कहाँ पे लगा है D1800, तो लेआउट में आ गया, यहाँ पे आपने टाइप किया D1800, ये देखो उसी के बाजू में D1800, ये देखो ये रेजिस्टेंस के बाजू में, मीन्स RST यन लाइन में आपका अगर एक डायोड खराब है तो भी आपका 1.8 वोल्ट नहीं बनेगा, अगर आपका R1817 एक आपका रेजिस्टेंस खराब है तो भी आपका 1.8 वोल्ट आपके RST लाइन में नहीं बनेगा। ये देखो 23 नंबर की लाइन, एक आपका यहां से कनेक्टेड, एक आपका डी मीन्स डायोड लगा है, एक आपका आर मीन्स रेजिस्टेंस लगा है, और लाइन का नाम है एलसीडी आरएसटी यन, एलसीडी आरएसटी यन आपकी ग्राफिक सेक्शन में यूज में आती है, एलसीडी आरएसटी यन में आपका 1.8 वोल्टेज आता है, एलसीडी TE0 में आपका 1.8 वोल्टेज आता है। अब एलसीडी TE0 देखा था अपन ने, सीपीयू से लाइन कनेक्टेड है, एलसीडी आरएसटी यन देखते हैं भी ये लाइन कौन जनरेट कर रहा है, कौन बना रहा है वो वाली लाइन, ठीक है। तो ये देखो LCD RSTN को मैंने डबल क्लिक किया, LCD RSTN को मैंने डबल क्लिक किया, फाइंड नेक्स्ट,
फाइंड नेक्स्ट, ठीक है, फिर से फाइंड नेक्स्ट। ये देखो एलसीडी आरएसटीएन कौन सी लाइन बना रहा है, जीपीआईओ 60 नंबर की लाइन, ये देखो सीपीयू से बन रही है, ये देखो कहां से बन रही है, ये U1001। अब U1001 क्या है, लेआउट में गए थे अपन, U1001 ये है आपका सीपीयू, ये देखो U1001, ये देखो कितनी बार स्टडी किया अपन ने, सीपीयू 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 सीपीयू, कितनी सारी लाइन है सीपीयू की ग्राफिक्स वाली, कितनी सारी लाइन आपकी सीपीयू से आती है यार, ये आपको ध्यान में रखना है। और साधारण टेक्नीशियन ये सारी चीजें स्टडी नहीं कर पाता, ये आपको समझना है। फिर सर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, ये देखो मींस अभी तक इधर का एक सेक्शन आपका एमआईपी या ग्राफिक्स के काम में आ गया, एलसीडी वीएसएन वीएसपी ग्राफिक्स के काम में आ गया, वीआरजी L6 1 बिट लाइन आपकी ग्राफिक्स के काम में आ रही है, और एलसीडी TE0 और एलसीडी आरएसटी आपकी ग्राफिक्स के काम में आ रही है जो कि सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, ये अभी तक अपने स्टडी में सामने आया है। यहां तक क्वेरीज होंगी तो पूछिए सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर, अपन क्या सीख रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है ना अभी, ठीक जी सर, है। अब उसके बाद है अपनी दो लाइन, उसके बाद LCD ID 1 LCD ID 2, LCD ID 1 LCD ID 2 ये दोनों लाइन आपकी ग्राफिक सेक्शन में काम में आती है, LCD ID 1 और LCD ID 2, और ये दोनों लाइन पे आपका वोल्टेजेस आता है 1.8 वोल्ट। मींस यार कहने का मतलब क्या है, कोई मॉडल में आपका ग्राफिक्स नहीं बन रहा है तो फटाफट उसका डिस्प्ले कनेक्टर ओपन करो, मल्टीमीटर को डीसी मोड में डालो, ठीक है, और डिस्प्ले कनेक्टर पे आपका पॉजिटिव सप्लाई बन रहा है क्या, निगेटिव सप्लाई बन रहा है क्या, VREGL6 1.8 वोल्टेज आ रहा है क्या, T0 में 1.8 वोल्ट आ रहा है क्या, RST में 1.8 वोल्ट आ रहा है क्या, ID1 ID2 में 1.8 वोल्ट आ रहा है क्या, ये आपको फटाफट चेक करना है। 2 मिनट में आप प्रॉब्लम ट्रेस कर सकते हैं। अगर कोई लाइन में आपका वोल्टेज नहीं बन रहा है, अरे ये ID1 में तो 1.8 वोल्ट आना चाहिए, अरे मेरा ID1 में तो 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर ID1 में एक रजिस्टेंस लगा है ये आपको देखना है, फिर ये लाइन कौन बना रहा है, वो IC भी उसकी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ये भी आपको देखना है। अभी देखिए, अब LCD ID 1 और LCD ID 2 दोनों लाइन में आपके साथ में लेता हूं, दोनों लाइन आपकी ग्राफिक सेक्शन में काम में आती है, ID 1 और ID 2, ठीक है। तो ये देखिए LCD ID 1 में एक आपका R1825 रेजिस्टेंस लगा है, LCD ID 2 में एक आपका R1824 रेजिस्टेंस लगा है, उसका वैल्यू है 1 के, दोनों रेजिस्टेंस आपके 1 के है। अब वो आपके मदरबोर्ड में कहां पे, मदरबोर्ड में उसका लोकेशन कहां है, ये अगर आपको देखना है तो लेआउट में आ गए, नंबर क्या है R1824 R1825, 1824 आपका ID2 है, 1825 आपका LCD ID 1 है, ठीक है। देखते हैं अभी R1825 R1824 लेआउट में आ गए, R1825 ये देखो page 2 पे आपका 1825 है, ये देखो R1825 और R1824 ये आपके कहाँ पे है, ये डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर, मैंने ही आपको पहले ही बताया है यार, डिस्प्ले कनेक्टर के आजू बाजू का एक एक कंपोनेंट बहुत काम का है, डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर का, डिस्प्ले कनेक्टर के नीचे का, आपका लाइट सेक्शन में, आपका ग्राफिक सेक्शन में, अगर आप उसमें टच दिया है तो टच सेक्शन में, वो बहुत काम का चीज है, एक एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए, अब ये R1825 और ये R1824 क्या नंबर की लाइन है, इसका लाइन का नंबर क्या है, 25 और 24, 24 और 25, 24 ID1 ID2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, 24 और 25 ID1 और ID2, अगर यहाँ पे आपका 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपका 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है ID1 ID2 में, तो आपका ग्राफिक्स आएगा क्या, नहीं आएगा। और तो अगर यहाँ पे 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो ये लाइन में जो रेजिस्टेंस लगा है 1825 1824, ID1 में 1824 लगा है,
ID2 में 1825 लगा है, आपको ये देखना है वो रेजिस्टेंस कहीं मेरा खराब तो नहीं हुआ, या फिर अगर उसका 1K का वैल्यू है, या फिर उसका अगर 1K का वैल्यू है तो वैल्यू तो मेरा डाउनग्रेड नहीं हुआ। अगर आपका वैल्यू भी अगर कम हो गया तो भी वो लाइन में आपका 1.88 नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है क्या यार? मींस देखो, एक साधारण टेक्नीशियन ये लेवल का काम कर सकते हैं क्या? खुद को जज करो यार। अभी एक साधारण टेक्नीशियन ग्राफिक्स की इतनी लाइन चेक करेगा क्या? एक साधारण टेक्नीशियन को ग्राफिक्स से इतने वोल्टेजेस पता है क्या? उसका काम क्या है? वो सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई जो यूट्यूब में दिखाते हैं बस वो उतने चेक करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई चेक करेगा, निगेटिव सप्लाई चेक करेगा, ग्राफिक्स नहीं आएंगे तो मार्केट में घूमते रहेगा दूसरे दूसरे टेक्नीशियन के पास, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व उसका सॉल्व करते रहेगा लेकिन खुद नहीं सीखेगा वो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके ग्राफिक्स की लाइन पूरी खत्म हो गई है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी मॉडल में अगर आपका ग्राफिक्स नहीं बन रहा है तो उसके लिए आपका ये जो इधर का MIPI सेक्शन है ये भी रिस्पॉन्सिबल रह सकता है, LCD VSN लाइन भी रिस्पॉन्सिबल रह सकती है जो यहाँ पे 7A के मॉडल में PMI बना रहा है, LCD VSP लाइन भी रिस्पॉन्सिबल रह सकती है, डिस्प्ले का पॉजिटिव सप्लाई PMI बना रहा है, VREG L6 1P8 लाइन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है जो कि PM बना रही है, LCD TE0, LCD RSTN, LCD ID1, LCD ID2, ये चारों लाइन आपकी CPU बनाती है ग्राफिक्स के लिए, LCD TE0, LCD RSTN, LCD ID1, LCD ID2, चारों लाइन आपकी CPU बनाती है और चारों लाइन में आपका 1.8 वोल्टेज सप्लाई आता है। अगर कोई एक लाइन में आपका 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो हो सकता है वो लाइन में जो कंपोनेंट लगा है, डी मीन्स डायोड लगा है, वो डायोड खराब हो सकता है, आर मीन्स रेजिस्टेंस लगा है, वो रेजिस्टेंस खराब हो सकता है, या फिर वो लाइन जो आईसी से बंध रही है वो आईसी आपके रिवॉल्व करना पड़ सकता है। सीपीयू है तो सीपीयू रिवॉल्व करो, पीएम पीएमआई है तो चेंज करो। अभी अपन देखते हैं ID1 कौन बना रहा है। मैंने तो आपको पहले बताया कि ID1 ID2 RSTN TE0 सीपीयू बनाता है, तो अपन देखेंगे ID1 सिलेक्ट किया, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, ये देखो आपका LCD ID1, ये देखो LCD ID1 कौन बना रहा है यार आपका, GPIO वो मींस सीपीयू बना रहा है, ये देखो U1001। अब उसके बाद ID2 देखते हैं, ID2 दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, ये देखो LCD TE0 आपका सीपीयू बना रहा है ग्राफिक्स के लिए जो लाइन काम में आती है मैंने पहले बताया, ID0 आपका सीपीयू बना रहा है, ठीक है फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, ID1 देखा, अभी ID2 सिलेक्ट किया, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, ये देखो ID2 ये भी आपका कौन बना रहा है यार, सीपीयू बिना बना रहा है। मीन कहने का मतलब क्या है यार, आपके ग्राफिक्स के लिए टोटल कितनी लाइन काम में आ रही है, 10 लाइन आपके MIPI, 10 लाइन आपके MIPI, VSN 11, VSP 12, VREG L6 1P8 13, LCD TE0 14, LCD RSTN 15, LCD ID1 16 और LCD ID2 17। मींस अगर आपके मॉडल में, मींस अगर आपके मॉडल में, ये 7A का मॉडल स्टडी कर रहे हैं अपन, ये तो 7A का मॉडल है, अगर आपके मॉडल में ग्राफिक्स नहीं बन रहा है तो 17 लाइन आपको चेक करना आना चाहिए। कौन सा टेक्नीशियन चेक कर रहा है 17 लाइन आप बताओ, मैंने एक एक लाइन आपको समझा के बताया ग्राफिक्स की, 17 की 17 लाइन मैंने आपको समझा के बताया है, या आपकी सारी MIPI लाइन है, VSP VSN PMI, VREG L6 1P8 PM, TE0 RST ID1 ID2 आपका CPU। समझ में आ गया सर, अभी ग्राफिक्स की लाइन पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, जी जी सर, समझ में आ गया। कोई क्वेरीज होंगी तो पूछ लीजिए अभी।